जन्म हुआ था इस धरती पर तब बहुत सी नई नई घटनाएं हुई जो पहले कभी नहीं हुई। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसकी भविष्यवाणी कई सालों पहले ही की गई थी। और तो और एक कुंवारी को परमेश्वर ने चुना था ताकि उसके गर्भ से यीशु मसीह का जन्म हो। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सभी लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए एक नया तारा भी निकला था जिसको देखकर सारे गडरिये और सारे ज्योतिषी यीशु मसीह तक पहुंच पाए थे। और तो और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब राजा हेरोदेस तक यीशु मसीह से डर गए थे और उन्हें मरवाना चाहते थे। और यीशु मसीह के जन्म के बाद जो हमारा कैलेंडर है वो दो हिस्सों में बट गया, AD और BC में। आखिर इतना सब बातें क्यों हुआ? आखिर यीशु मसीह का जन्म इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि वो हमारे लिए जीवन देने आए थे। वो मामूली बच्चे नहीं हुए थे लेकिन वो अपने साथ हमारे लिए जीवन लेकर आए और हमारे लिए सब कुछ देने के लिए आए थे। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा बल्कि सब कुछ हम सब के लिए त्याग दिया उन्होंने। वचन में लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो हमारे साथ हमारे साये के तरह चलना चाहते हैं, हमारे हाथ पकड़कर हमें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। बस देरी इस बात की है कि हम उन्हें अपने दिल में जगह दें और उनके इस बात को कि वो हमारे लिए धरती पर आए, हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण दिए और हमारे लिए वो वापस जी भी उठे थे, इस बात को ग्रहण करने की देरी है। तो यीशु मसीह को ग्रहण करें और इस बार का बड़ा दिन आपके जीवन को बदलने वाला हो। बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।